Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स आइए बनाते हैं हमारे कान्हा जी के लिए मलाई लड्डू यहाँ पर मैंने मार्केट का पनीर लिया है आधा के जी मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर बिल्कुल फ्रेश पनीर यहाँ पे लिया है बट फिर भी मार्केट से लाया हुआ है इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पनीर को एक बार धो लिया जाए मार्केट से लाने पर ऐसी चीज़ें आप ज़रूर एक बार वॉश कर लें साफ़ पानी से ये देखिए अच्छे से इसे धोने के बाद ही अब हम इसे यूज़ करेंगे अब देखिए इस पनीर को हमें बहुत अच्छे से मैश करना है बिल्कुल चिकना करते तक आपको इसे मैश करना है आप चाहें तो इसे मिक्सी में भी कर सकते हैं बट तो हाथ से मैश करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि चिकना बहुत ज़्यादा पानी पानी सा हो जाएगा अगर आप मिक्सी में ये काम करेंगे तो ये देखिए हाथ में नीचे पाम की सहायता से आपको इसको ऐसे करना है और एक डो जैसा कन्वर्ट होते तक आपको इसे अच्छे से रगड़ना होगा डोंट वरी आ, ये ख़राब नहीं होगा जैसा कि रसगुल्ला बनाने के लिए हो सकता है बट तो हमें इसे कुछ और करना है अब हमने इसका दो भाग ब, बना लिया है अंदाज में आप इसके दो पार्ट कर लें अब आपको एक पैन लेना है और जो दो पार्ट हमने किया था उसमें से एक पार्ट हमें इस पैन में ट्रांसफ़र करना है ये सारा चीज़ अच्छे से ट्रांसफ़र कर लें और अब हमें इसे कुक करना है कुक कब तक करना है उसे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा गैस का फ्लेम लो या मीडियम पर ही रखें जले ना इसलिए आपको इसको कंटिन्यू चलाते रहना होगा अगर आपको लगता है कि आप कंटिन्यू नहीं जला पा रहे हैं हाथ में दर्द हो रहा है क्योंकि इसको कम से कम 10 से 12 मिनट तक आपको अच्छे से कुक करना होगा तो उस स्टेज पे आप लो फ्लेम कर सकते हैं ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसका सारा पानी जो है एब्जॉर्ब हो चुका है सूख चुका है तब तक आपको इसे कुक करना है अब हम इसमें डालेंगे टोटल 80 ग्राम ऑफ कंडेंस्ड मिल्क ये टोटल जो मैंने लिया है ये 100 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क का है बट मैंने यहाँ पे 80 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है आप अंदाजे में भी ये काम कर सकते हैं इस पूरे कंडेंस मिल्क को भी आप डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो हंड्रेड ग्राम कंडेंस मिल्क डालने से आपका जो लड्डू है बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा अब इस स्टेज में हमें क्या करना है इसे अच्छे से कुक करना है तब तक जब तक ये बिल्कुल दानेदार ना हो जाए और इसमें जो भी पानी पानी सा है जैसे हमने कंडेंस मिल्क डाला है तो बिल्कुल भी वो चीज़ पानी वानी सा नहीं होना चाहिए दो बार में मैंने इसे डाला है एक बार में मैंने इसे नहीं डाला था आप चाहें तो एक बार में भी इसे डाल सकते हैं और अच्छे से कुक करें तब तक जब तक कि ये सारा कंडेंस मिल्क इस पनीर के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाए बिल्कुल भी इसमें लिक्विड पोजिशन ना रहे ये देखिए अब फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है इलायची का पाउडर घर में बना हुआ इलायची पाउडर मैंने यहाँ पे डाला है इसे अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स करने के बाद देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छा टेक्सचर हमारा इसका आ चुका है बिल्कुल दानेदार जो कलाकंद होता है ना बिल्कुल वैसा दिख रहा है और कलाकंद आप पनीर से भी इसी तरह से घर पर के बर बना सकते हैं बिना दूध को घंटों हौटाएं ये देखिए बिल्कुल दानेदार सा हमारा टेक्सचर आ चुका है इस पोजीशन पे आपको गैस फ्लेम से इसे रिमूव करना है और इसे अच्छे से ठंडा करना है बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही आपको इसके आगे की वर्किंग करनी होगी ये देखिए जो हमने एक बड़ा परात लिया था उसी पे मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और थोड़ा सा स्पैचुला से आप इसे मिक्स करते रहें ताकि ये काफ़ी जल्दी ठंडा हो जाए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे फ्रिज में भी ठंडा कर सकते हैं बट फ्रिज में आप ज़्यादा देर नहीं रखेंगे नहीं तो ये आपका थोड़ा सा हार्ड हो सकता है और हमें हार्ड बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये देखिए स्पैचुला से मिक्स करते हुए आप इसे अच्छे से ठंडा कर लें अब मैंने यहाँ पे लिया है ऑरेंज फूड कलर ये नॉर्मल फूड कलर है मार्केट में आसानी से मिल जाता है जो हम जलेबी के लिए फ़ूड कलर यूज़ कर सकते हैं करते हैं ना हलवाई हलवाई लोग जो जलेबी के लिए लड्डू के लिए यूज़ करते हैं वही ऑरेंज फूड कलर मैंने यहाँ पे यूज़ किया है केसरिया रंग इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है बट जो मिक्स कर रहे हैं उसमें से देखिए मैंने एक चौथाई पार्ट जो मैंने मिल्क मेड वाला मिक्सचर बनाया लिया था पनीर के साथ उससे एक चौथाई पार्ट मैंने अलग कर दिया और बाकी में मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है फूड कलर को आप अच्छे से मिक्स करें क्योंकि ये पाउडर होता है पानी में घोल के ये काम ना करें पाउडर होता है तो बिल्कुल भी इसमें कहीं पर लम्स नहीं होने चाहिए इसलिए आप हाथ से चाहें तो अच्छे से इसे मिक्स कर लें मलाई लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होता है और कान्हा जी को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है मलाई पनीर उनको दूध की सारी चीज़ें पसंद होती हैं तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए इस बार कुछ नया बनाया जाए अब मैंने जो एक चौथाई पार्ट अलग रखा था कंडेंस मिल्क वाला बैटर उसे मैंने कच्चे पनीर के साथ मिक्स कर दिया है आप चाहें तो ज़्यादा मीठेपन के लिए शुगर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा दो से चार चम्मच अब इसे हमें अच्छे से चिकना होते तक बिल्कुल चिकना करते तक मैश करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब ना हो और हमने जो कंडेंस मिल्क वाला बैटर इसमें मिक्स किया है वो पूरी तरह से कच्चे पनीर के साथ बिल्कुल एक सार हो जाए अच्छे से मिक्स हो जाए बाउल में मुझे ये नहीं बन रहा था इसलिए मैंने बिल्कुल स्लैब में ये काम किया बिल्कुल साफ़ स्लैब है मेरा रेगुलर मैं वॉश करती हूँ आपका हाथ साफ़ होना चाहिए ध्यान रखिए ये सारा काम करते समय आपकी सारी चीज़ें बहुत क्लीन होनी चाहिए हाइजीन आपको बहुत ज़्यादा मेनटेन करना है ये देखिए डो जैसा फॉर्म हो जाएगा तब तक, तक आपको इसे मैश करना है आपको इसका चिकनापन मैं दिखा रही हूँ ये देखिए बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं है बिल्कुल चिकना हो चुका है अब इसे वापस से हम बाउल में ले, ले लेंगे अब हम बनाना शुरू करेंगे आज की स्पेशल रेसिपी मलाई लड्डू हमारे कान्हा जी के लिए तो जो हमने ऑरेंज फूड कलर वाला ऐड किया था उसमें से छोटे छोटे लड्डू आपको प्रिपेयर कर लेने हैं बिल्कुल छोटे छोटे बहुत बड़े बड़े लड्डू प्रिपेयर नहीं करने हैं जो नॉर्मल लड्डू आप खाते हैं उसका एक चौथाई पार्ट का बैटर आपको लेना है और उसमें से छोटे छोटे लड्डू आपको बना करके एक प्लेट में अलग रख लेने हैं जितने चाहें आप बना करके तैयार कर लें ये देख सकते हैं लेकिन जो बाकी बैटर बचा है उससे मैं कुछ और बनाने वाली हूँ और उसका वीडियो मैं आपको फिर कभी शेयर करूँगी फिर कभी क्या मैं दूसरे दिन दो दिन बाद आपको वीडियो शेयर करूँगी वो भी मैंने काना जीत ले ही बनाया है और स्पेशली वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला है ये देखिए अब मैंने यहाँ पर जो कच्चा पनीर था ना जो वाइट पनीर उस वाइट पनीर का थोड़ा बड़ा आपको बैटर लेना है इस ऑरेंज वाले लड्डू को उसके अंदर डालना है और एक बड़ा लड्डू तैयार कर लेना है सारे छोटे लड्डुओं को इसी तरह से पनीर के साथ आपको एक बड़े लड्डू में कन्वर्ट कर लेना है और ये तैयार हो गया हमारा आज का कान्हा जी के लिए भोग का मलाई लड्डू जो मुंह में जाते ही खुल जाएगा कान्हा जी बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं और मुझे तो उनकी खुशी देखकर बहुत मजा आता है क्योंकि बहुत प्यारे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल मेरे पास लड्डू गोपाल हैं और उनके लिए मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ हर जन्माष्टमी कुछ नया कुछ अच्छा बनाने की तो चाहूँगी आप सब भी फटाफट से आज के आज इसकी तैयारी करें ज़्यादा टाइम नहीं लगना है आपको सिर्फ तीस से पैंतीस मिनट का समय लगना है इस काम को करने में तो जाइए और अपने लड्डू गोपाल अपने बाल गोपाल और अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की मलाई लड्डू बनाइए और उन्हें खुश करिए आप चाहें तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं बट मैंने इसे थोड़ा सा और अच्छा टेस्ट दिया है मैंने नॉर्मल यूज़ किया है यहाँ पर दूध पाउडर दूध पाउडर में आपको इस मलाई लड्डू को रोल कर लेना है ताकि वो चारों तरफ से बहुत ही सुंदर वाइट बिल्कुल बहुत सुंदर सा जो उसमें रवा जैसा आ जाएगा बहुत प्यारा दिखने वाला है ये और आप देख सकते हैं आपके सामने हमारा आज का सुपर टेस्टी डिलीशियस मुंह में घुलने वाला मलाई लड्डू तैयार है तो फ्रेंड्स अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें साथ ही जो दूसरा बैटर बचा हुआ है उसकी भी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज़ 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 उसे भी ज़रूर देखें ये सारी चीज़ों का आप इस तरह से रेडी कर लें और इसे मैंने पैक भी किया है आप चाहें तो ये डिलीवर भी कर सकते हैं आप इसे मंदिर लेकर के जा सकते हैं आप दूसरों को खिला सकते हैं बट मैंने कान्हा जी के लिए सिर्फ बनाया है बट फिर भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इसके अंदर का टेक्शर कैसा आया है कितना सुंदर हमारा ये जो मलाई लड्डू है बन करके तैयार हुआ है तो आइए देखते हैं टेक्शर है अंदर का मैं आपको तोड़ कर दिखाने वाली हूँ कि हमारा आज का जो मलाई लड्डू है वो कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ है तो फ्रेंड्स फटाफट से जाइए अपने किचन में बनाइए ये मलाई लड्डू मुझे कमेंट कीजिए मेरे कमेंट बॉक्स पर और बताइए कि आपको ये लड्डू कैसे लगे अगर आपको ये लड्डू पसंद आई है तो आप खुद सोचिए कि ये कान्हा जी को कितनी ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि उनके लिए तो मलाई घी पनीर दूध ये सब बहुत ज़्यादा प्रिय है उनका तो इस तरह का देखिए मैंने एक कैविटी बॉक्स लिया है इस कैविटी बॉक्स में मैंने चारों तरफ से ये मलाई लड्डू को डेकोरेट कर दिया है और बीच में मैं डालने वाली हूँ कान्हा जी की आरती की एक छोटी सी थाली ये आपको मार्केट में मिल जाएगा आप इस तरीके से कान्हा जी को भोग लगा सकती हैं इसे पैक कर सकती हैं गिफ्ट कर सकते हैं आप इसे सेल कर सकती हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं जो मैंने एक ही वीडियो में आप सबके साथ शेयर किए हैं होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप सबके बहुत सारे लाइक्स मैं यहाँ पर जाऊँगी साथ ही फ्रेंड्स एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे YouTube में आप सबके लिए आप सबके बेस्ट कमेंट्स मैं शो करूँगी अपने YouTube के वीडियो में लास्ट में या फिर नीचे जो बॉक्स दिखता है वहाँ पर लेकिन इसके लिए आपको जो हमारा यूट्यूब में चैनल होता है जहाँ लाइक डिसलाइक शेयर क्रिएट ये सारी चीज़ें लिखी होती हैं वहाँ जा कर के थैंक्स में जाना होगा थैंक्स को परचेस करना होगा बाय एंड सेल करना होगा जब वो मुझे यहाँ पर मिलेगा तब मैं आप सबके बेस्ट कमेंट को वहाँ पर शेयर करूँगी तो बहुत ही अच्छा मौका है आप सभी फॉलोअर्स के लिए फटाफट से जाइए थैंक्स में और मुझे शेयर कीजिए आपके बेस्ट कमेंट ये एक बॉक्स मैंने क्रिएट किया था नारियल के लड्डू उनके लिए बनाए थे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई थी और सभी चीज़ों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वन बाय वन मिलता रहेगा तो जाइए फटाफट से अपने कान्हा जी को खुश कीजिए और मुझे भी ज़रूर खुश कीजिएगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स और लाइक से बाय बाय